हे गाइस, वेलकम बैक। पढ़ाई कैसे चल रहा है? अच्छे से रिवाइज कर रहे हो ना? ओके, तो ये जो वीडियो सीरीज हमने बनाया है, इसका मेन पर्पस है ताकि तुम्हारा पूरा चैप्टर हम अच्छे से रिवाइज कर पाए। आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करूंगा, दैट इज न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, उसके बाद मैं फ्रिक्शन डिस्कस करूंगा। और इस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक तुमको चाहिए, सारा मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट से डिस्कस करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इफ यू थिंक अबाउट अ फोर्स, फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज बेसिकली आइदर अ पुश और अ पुल। और इन फोर्सेस को हम क्या करते हैं, फिर कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, कुछ क्लासीफाई करते हैं, कुछ आइडिया पे बेस करते हैं। जैसे कि हम फोर्सेस के नेचर पे बेस करके हम फोर्सेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स किसके बीच लगता है? बिटवीन टू मासेस। अगर दो चार्जेस के बीच लगता है, उस फोर्स को हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, उनके बीच के फोर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट में क्या आता है? लास्ट में वीक फोर्सेस आता है। ठीक है, ये तो कहानी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, देखो, द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, जहां पर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, कि कॉन्टैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। कैसे? जैसे कि अगर तुम बिल्डिंग से कूद जाओगे ना, तो तुम अपने आप नीचे जाओगे, राइट? क्यों नीचे जा रहे हो? बिकॉज अर्थ तुमको क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता है ना कि अर्थ से एक हाथ निकला, तुम्हारे पैरों को पकड़ा, फिर खींच के नीचे लेके जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता, राइट? देखो, अर्थ एंड यू हु इज गोइंग डाउन, तुम दोनों के बीच कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी अर्थ क्या कर रहा है? तुम पे फोर्स लगा रहा है, करेक्ट? इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? चार्जेस, चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट का फोर्स लगा सकता है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के फोर्स लगा सकता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो बेसिक फंडा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का जो बेसिक आइडिया है, वो हम इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ेंगे। तुमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, वहां पर हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस को लेकर डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशन में आएगा, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मेन जो एजेंडा होगा, दैट इज टू टॉक अबाउट द कॉन्टेक्ट फोर्सेस, राइट? व्हाट आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस? कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस जिनको लगाने के लिए फिजिकल कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, ठीक है? ओके, अभी कॉन्टेक्ट फोर्सेस कैसा कैसा हो सकता है वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले क्या आता है? नॉर्मल फोर्स आता है। सो लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल फोर्स फर्स्ट। नॉर्मल फोर्स कब किसी दो सरफेसेस के बीच लगता है, ये बताओ। व्हेन डू नॉर्मल फोर्सेस एक्ट बिटवीन सरफेसेस, ये बताओ। नॉर्मल फोर्स विल एक्ट बिटवीन सरफेसेस जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमेशा याद रखना, ये जो फोर्स है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है। दिस इज पॉइंट वन। और सेकंड, हमेशा ये बात याद रखना कि ये फोर्स हमेशा एक पुश अवे फोर्स है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मल हमेशा क्या कर सकता है? नॉर्मल हमेशा पुश कर सकता है, पुश अवे कर सकता है, धक्का दे सकता है। जैसे कि ए टेबल इज प्लेस्ड ऑन अर्थ एज शोन इन द फिगर। एक टेबल है जिसको जमीन पर रखा गया है। अभी मैंने टेबल को पूछा, टेबल टेबल तुम किधर जाना चाहोगे? तो टेबल बोलेगा, सर देखो, अर्थ जो है वो मुझे नीचे खींच रहा है, मैं नीचे जाना चाहता हूँ, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे नीचे खींच रहा है, बट मैं नीचे जा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ने धरती ने मुझे रोक के रखा है। द अर्थ इज स्टॉपिंग मी। मतलब इस ये जो पैर दिख रहा है ना तुमको, 1 2 3 4, इन पैरों पे अर्थ ने फोर्स लगाया। और यहाँ पर सरफेस सरफेस कांटेक्ट में है, तो कौन सा फोर्स आने वाला है? यहाँ पर नॉर्मल फोर्स आने वाला है। और जैसे कि मैंने तुमको कहा था, नॉर्मल हमेशा क्या करता है? पुश अवे करता है। तो नीचे का जो अर्थ है, ये इन 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 टेबल्स के पैरों को क्या करेगा? धक्का देगा, पुश अवे करेगा ऊपर की तरफ। तो टेबल के पैरों पर जो नॉर्मल लगेगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ। बात समझ आया? कुछ ऐसा लगेगा, टेबल के पैरों पे फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर जमीन ने टेबल के पैरों पे ऊपर फोर्स लगाया, तो टेबल का जो पैर है वो जमीन पे किधर फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखो, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड का डायग्राम है कि ग्राउंड के ऊपर फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एंड दे आर बीइंग पॉइंटेड डाउनवर्ड्स। बिकॉज अगर मैं तुमको इन 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 पैरों को पूछूं, पैर पैर ये बताओ तुम ग्राउंड के साथ क्या कर रहे हो, तो पैर बोलेगा, आई एम पुशिंग अवे द ग्राउंड। हमेशा याद रखना, नॉर्मली से पुश अवे फोर्स, वो धक्का देता है, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर इस बंदे को देखते हैं। Now this is this guy जो कि एक ब्लॉक को धक्का दे रहा है, दिख रहा है ना? This guy is basically
पुशिंग ए ब्लॉक। ओके ना, अभी ये बंदा अगर ब्लॉक को पुश कर रहा है, उसका हाथ जो है वो ब्लॉक के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया, तो उसका हाथ इस ब्लॉक पे फोर्स अगर लगा रहा होगा, किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, द फोर्स विल बी एक्सर्टेड अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दैट इज एफ। एंड बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये ब्लॉक भी इस लड़के के हाथ पे उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, दिस इज एफ। तो ये भी ओके हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, बात समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। अच्छा, इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स क्यों कहते हैं, मैंने रीजन बताया था कि ये जो फोर्स है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अभी अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक का एबीडी बनाऊँ, सिर्फ ब्लॉक का एबीडी बनाऊँ, दिस इज द एबीडी ऑफ द ब्लॉक, तो यहाँ पर जो सरफेस पे फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स एफ, दिस एफ मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, है ना, दैट इज द रीजन इस एफ को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल दिस एफ एज नॉर्मल फोर्स। इज दैट क्लियर, पक्का समझ आया, ओके फाइन। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं, नेक्स्ट सिनेरियो में कैसा, ध्यान से देखो, एक ब्लॉक को एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा गया है, तो नॉर्मल कैसा लगेगा, चलो मैं तुम्हारे लिए एक अलग सा डायग्राम बना के देता हूँ, लेट अस से दिस इज अवर इंक्लाइन प्लेन, है ना, ओके दिस इज एंगल थीटा, और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा, लेट अस से एम मास का ब्लॉक रखा, ठीक है। देखो एक तो है कि अर्थ इसको नीचे पुल कर रहा होगा, करेक्ट, अर्थ इसको नीचे पुल कर रहा होगा mg, लेकिन ये ब्लॉक तो नीचे जाना चाहता है, इस इंक्लाइन प्लेन ने उसको रोक के रखा है, तो ये ब्लॉक का जो बॉटम सरफेस है वो इंक्लाइन प्लेन को क्या कर रहा होगा, पुश अवे कर रहा होगा, तो ब्लॉक का बॉटम सरफेस इंक्लाइन प्लेन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दिस इज नॉर्मल एन, और ध्यान से देखो ये सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये जो इंक्लाइन वाला सरफेस है ये ब्लॉक को भी क्या कर रहा होगा, पुश अवे कर रहा होगा, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, ध्यान देना कि ये नॉर्मल और ये नॉर्मल देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, और ये भी ध्यान देना दैट दे आर बेसिकली एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है और ये नॉर्मल ब्लॉक पे लग रहा है, बात समझ आया, ओके। अभी तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सा सिचुएशन है, ध्यान से देखो, ऐसा है कि देर आर टू ब्लॉक्स विच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट ऑन अ स्मूथ सर्फेस एज शोन इन द फिगर, दो ब्लॉक्स है जिनको हमने सरफेस में रखा है ए बी, ठीक है ना, देख के लगता है कि दोनों कॉन्टैक्ट में है, पूछा ड्रॉ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ब्लॉक ए एंड बी को ऐसे रखा गया है, इनके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, इनको सिंपली रखा गया है, और ये पूछा गया है कि ए एंड बी के बीच नॉर्मल क्या होगा, इन दोनों के बीच ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इस सरफेस के बीच नॉर्मल क्या होगा, और इसका आंसर होगा जीरो, नॉर्मल जीरो होगा, क्यों नॉर्मल जीरो होगा, नॉर्मल आता कब है यार, इट्स अ पुश अवे फोर्स, मतलब दोनों सरफेस के बीच क्या आना पड़ेगा, प्रेसिंग टेंडेंसी आना पड़ेगा, मतलब जब प्रेसिंग टेंडेंसी आएगा दोनों सरफेसेस के बीच, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा नो प्रेसिंग टेंडेंसी, है ना, बिकॉज ए जो है वो बी को प्रेस नहीं कर रहा, बी जो है वो ए को प्रेस नहीं कर रहा, देख के लगता है कि नहीं ए एंड बी देयर इन कॉन्टैक्ट, बट फिजिक्स में इस वाले सरफेसेस के अरेंजमेंट को हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है, बिकॉज कॉन्टैक्ट में हम तभी कहेंगे अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, यहाँ पर ए बी को प्रेस नहीं कर रहा, बी ए को प्रेस नहीं कर रहा, तो इनके बीच कोई प्रेसिंग टेंडेंसी नहीं है, इज दैट क्लियर, पक्का समझ आ रहा है, ओके। अभी इस नेक्स्ट सिनेरियो को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, देयर इज अ रॉड व्हिच इज केप्ट ऑन ए वॉल, दिख रहा है एक हॉरिजॉन्टल वॉल, एक वर्टिकल वॉल है, और यहाँ पर यह पूछा गया है कि इस पर नॉर्मल कैसा लगेगा, बहुत सिंपल सा है, मैंने कहा था कि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो रॉड है, ये जो कॉन्टैक्ट है, दिस इज अ पॉइंट कॉन्टैक्ट, राइट, तो अगर पॉइंट के ऊपर नॉर्मल बनाना या परपेंडिकुलर बनाना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, ऐसे केसेस में जो दूसरा सरफेस है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बना देना, जैसे कि अगर ये रॉड इस फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल लगा रहा है, वो किस तरह लगा रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो इस सरफेस पे हमने ऐसा नॉर्मल बना दिया एन वन, जो इस सरफेस के साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री, बात समझ में आया, तो सिमिलरली इस एन वन का जो दूसरा पार्टनर, बिकॉज ये एन वन जो है वो तो जमीन पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे लग रहा है, तो ये फ्लोर जो रॉड पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन भी ऐसा ही होगा, vertically upward direction, because both the forces are action reaction pair. Similarly, अभी अगर हम यहाँ पर देखें, ध्यान से देखना, अभी अगर हम यहाँ पर देखें कि ये rod है, and let us say कि ये wall ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, this is the wall. जैसे कि इसमें wall का जो contact है, wall का जो edge है, वो तो point contact है, point पे हम कभी भी normal नहीं बना सकते, ऐसे cases में जो दूसरा surface है, उसके perpendicular बना देना है, जैसे कि ये rod वाला surface, ये वाला surface तो plane है, तो हम इसके perpendicular बना देंगे, तो rod पे जो force लगा, let us say that is, in this case, N2, और ये wall पे जो इस तरह force लगेगा,
उसका वैल्यू भी एन टू होगा बट इट विल बी अराउंड दिस डायरेक्शन. तो ऐसे केसेस में अगर एक पॉइंट शार्प हो गया तो दूसरे सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बना देना. ठीक है, दिख रहा है डायग्राम पक्का क्लियर है. अभी आगे बढ़ते नरेश से. अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो है जॉडी नॉर्मल एंड ऑल दी बॉल्स, ऐसे केसेस में क्या करना है? देखो नॉर्मल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. तो सबसे पहला काम ये है कि तुम क्वेश्चन देख के ये डिसाइड करो कि कितने सारे कॉन्टैक्ट हैं. एक तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, एक तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, एक तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट है. देर आर थ्री सरफेस कॉन्टैक्ट, मतलब तीन नॉर्मल आएगा. तो मैं सिर्फ स्पेयर ए पर नॉर्मल बना रहा हूँ कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये क्या करेगा, स्पेयर ए को ऊपर की तरफ पुश अवे करेगा तो एक नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा. लेट अस से दिस इज एन वन, है ना. ये वाला जो वर्टिकल सरफेस है वो इस स्पेयर को क्या कर रहा होगा, फिर से पुश अवे कर रहा होगा. तो यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, इसका हम क्या लिख सकते हैं, एन टू. और ध्यान से देखो एन वन एन टू बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एन वन एंड एन वन एंड एन टू आर एक्टिंग ऑन द स्पेयर ए. ठीक है, अभी कैच क्या है, देखो अभी यहाँ पर भी एक कॉन्टैक्ट, अभी स्पेयर ए का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो भी एक पॉइंट है, स्पेयर बी का जो कॉन्टैक्ट है वो भी एक पॉइंट है. तो अगर दोनों सरफेस इसी पॉइंट है तो हम नॉर्मल कैसे बनाएंगे? ऐसे केसेस में हमेशा यहाँ पर एक कॉमन टेंजेंट बना दो. बना रही हमने कॉमन टेंजेंट, और अभी जो हम नॉर्मल बनाएंगे इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनाएंगे. मतलब ध्यान से देखना, अभी स्पेयर है, स्पेयर बी को क्या कर रहा होगा, पुश अवे कर रहा होगा, नॉर्मल लगा रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ऐसा. समझ में आ रहा है? क्लियर है? दिस इज एन थ्री, ठीक है ना. और ये जो नॉर्मल, ये जो हमने रेड कलर का नॉर्मल बनाया है वो ग्रीन वाला लाइन के साथ क्या एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री. सिमिलरली बी बी ए को क्या कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो यहाँ पर अगर N3 है तो इस पर भी कितना लग रहा होगा, N3 लग रहा होगा, और ये कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री ही बना रहा. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? और एक चीज याद करके रखना, एज बिकॉज ये नॉर्मल है एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दिस विल डेफिनेटली पास टू द सेंटर ऑफ द स्पीयर. ये N3 भी सेंटर ऑफ द स्पीयर से पास कर रहा होगा. ये N2 जो है वो भी इस, ये जो वॉल है जो कि सर्कल का टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है. तो ये भी ए पॉइंट के ए स्पीयर के सेंटर से पास करेगा. N1 भी ए पॉइंट के ए स्पीयर के सेंटर से ही पास करेगा. तो इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखना. ठीक है, डन. नेक्स्ट बार ये टेंशन के बारे में डिस्कस करने का. टेंशन भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. टेंशन ऐसा एक फोर्स है जो कि रस्सी लगाता है. हमेशा याद रखना, लूज रस्सी कभी भी टेंशन एग्जर्ट नहीं कर सकता, हमेशा टाइट रस्सी ही टेंशन एग्जर्ट कर सकता है. बिकॉज हम चीज़ों को अगर रस्सी से अटैच करके खींचेंगे तो रस्सी उस, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ रोप जो कि ब्लॉक के साथ अटैच है और रस्सी की तरह हम उस ब्लॉक को खींच रहे हैं, तो सबसे पहले रस्सी क्या होगा, टाइट होगा, उसके बाद खींचेगा. तो रस्सी जब तक टाइट नहीं होगा तो रस्सी के लेंथ के अलावा कभी भी टेंशन डेवलप नहीं होगा. ठीक है, सेकेंडली तुमको ये याद रखना है कि टेंशन जो है इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स. टेंशन क्या है, इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स. ये हमेशा चीज़ों को क्या करता है, पुल करता है. हमेशा याद रखना, डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब मैं बताऊंगा तुम, ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, जो टेंशन का डायरेक्शन होगा वो जिस जगह पर रस्सी अटैच है उससे हमेशा अवे हो. कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने एक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ब्लॉक है जो कि एक रस्सी के साथ हमने क्या करके रखा है, अटैच करके रखा है ऐसे. तो इस ब्लॉक को मैं अलग से बना रहा हूँ. लेट अस सी, ये हमारा एक स्फेरिकल बॉल है जो कि रस्सी के साथ अटैच है, ये सीलिंग के साथ अटैच है. ठीक है, इस बॉल को मैंने पूछा, बॉल बॉल किधर जाना चाहोगे, तो बॉल बोलता है सर अर्थ जो है वो मुझे नीचे खींच रहा है, एमजी से नीचे खींच रहा है. इज दैट क्लियर, मैं नीचे जाना चाहता हूँ. लेकिन यहाँ पर एक रस्सी है अटैच्ड, ये दिख रहा है, दिस इज अ रोप विच इज अटैच्ड, और रस्सी मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा. बात को समझो, ठीक है, मैं रस्सी को मिटा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ रस्सी का जो फोर्स है उसी को ही शो करूंगा. तो रस्सी जो है इस ब्लॉक के इस पॉइंट में अटैच्ड, ब्लॉक नीचे जाना चाहता है लेकिन ब्लॉक नीचे जा नहीं पा रहा, बिकॉज रस्सी ने ब्लॉक को किधर खींचा होगा, रस्सी ने ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचा होगा. तो टेंशन जो है टी वो इस तरफ लग रहा है. तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो टेंशन टी है वो क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को पुल कर रहा है. हमेशा याद रखना, टेंशन कभी भी पुश नहीं कर सकता. रस्सी से हम चीज़ों को धक्का नहीं दे सकते, रस्सी से हम हमेशा चीज़ों को खींच सकते हैं. तो रस्सी का जो टेंशन है वो खींच रहा है, और इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में मैं कह रहा था, और टेंशन का डायरेक्शन किस तरफ है, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इज दैट क्लियर, तो ये हो गया सिनेरियो. अच्छा, मैं अभी तुमको और एक पिक्चर देखे समझाना चाहूँगा. लेट अस से एक ब्लॉक है M1, लेट अस से यहाँ पर एक ब्लॉक है M2, ठीक है, और यहाँ पर और एक रस्सी है जो कि यहाँ पर अटैच्ड.
सीलिंग के साथ दो अलग अलग रूप से दो अलग अलग टेंशन होगा। लेट अस से इस रस्सी में टेंशन कितना है T1, इस रस्सी में टेंशन कितना है T2, करेक्ट। अभी अगर मैं M1 पे टेंशन किस तरफ एक्ट कर रहा है वो दिखाना चाहूँ तो कौन सा ट्रिक तुमको फॉलो करना है वो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। लेट अस से हमारे पास M1 ब्लॉक है यहाँ पर, दिस इज M1, M1 का FBD बना रहा हूँ सबसे पहले। तो याद रखना कि सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस शो करना एक ट्रिक है, हमेशा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस शो करना। तो M1 जी ब्लॉक को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर रस्सी कनेक्टेड है तो रस्सी उसको नीचे जाने नहीं देगा। इज दैट क्लियर? लेकिन उसके पहले एक बात बताओ कि इस M1 ब्लॉक के साथ कितने सारे रस्सी कनेक्टेड है। देर आर टू रोप्स विच आर कनेक्टेड, विच मीन्स इस ब्लॉक के ऊपर दो टेंशन लगेंगे, एक यहाँ पर लगेगा, एक नीचे की तरफ, नीचे के साथ नीचे वाले सरफेस पे भी एक रस्सी अटैच्ड है तो वो भी टेंशन लगाएगा, ठीक है। और मैंने टेक्निक क्या सिखाया था, बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी अगर डायरेक्शन सही से पुट करना है, हमेशा याद रखना कि टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर एक टेंशन T1 इधर लग रहा होगा और यहाँ पर टेंशन T2 इधर लग रहा होगा, बिकॉज ये अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ऑलवेज अवे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर, T2 नीचे की तरफ, T1 ऊपर की तरफ। Is that clear? या तुम नीचे वाले रस्सी को पूछो, नीचे वाला रस्सी ये बताओ M1 को क्या कर रहे हो तुम, ये रस्सी बोलेगा सर खींच रहा हूँ, नीचे पुल कर रहा हूँ। ऊपर वाला रस्सी M1 को क्या कर रहा है, ऊपर खींच रहा है, इसलिए T1 का डायरेक्शन हमने ऐसा पुट किया। इतना नहीं सोचना चाहते तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमेशा टेंशन का डायरेक्शन अवे डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिमिलरली अभी अगर हम M2 का FBD बनाना चाहे और ये दिखाना चाहे कि M2 पे कितना फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है M2 जी अर्थ खींच रहा है, ये नीचे जाना चाहता है, यहाँ पर रस्सी अटैच्ड है। मैंने क्या सिखाया था, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये टेंशन इस रस्सी का है, इस रस्सी के टेंशन का हमने क्या बोल के रखा है T2, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा T2। सो दिस इज हाउ द पिक्चर विल लुक लाइक इन दिस केस। पक्का समझ में आ रहा है? लास्ट का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसके ऊपर अलग से एक सेक्शन बनाऊंगा मैं तुमको, ठीक है। अभी के लिए फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ने के लिए थोड़ा पेशेंस रखो, लास्ट में बताऊं, ठीक है। ओके, अभी बारी है न्यूटन्स थर्ड लॉ को लेकर डिस्कस करने का। थर्ड लॉ सबको पता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन क्या तुमको इसका एक्चुअल मतलब पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन किसको कहते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन बेसिकली आर फोर्सेस, ठीक है। एक तो ये याद रखना, सेकेंडली ये याद रखना कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता। कैसे, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोचो कि तुम्हारे पास कोई ब्लॉक है ना, जिसको हमने जमीन के ऊपर रख, ये हवा में नहीं है, ये ब्लॉक जमीन पे ही है, इसका मास m है, तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा होगा, एक तो mg लग रहा होगा, करेक्ट, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा, दूसरा सरफेस इसको पुश अवे किया होगा, दिस इज नॉर्मल m। हमेशा याद रखना कि ये नॉर्मल और ये mg जो है, एक मिनट, ये दोनों जो है दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर्स, एक्शन रिएक्शन वो लोग इनको कह नहीं सकते हम लोग एक्शन रिएक्शन। देखो सबसे पहले तुमको समझना है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर यूज करना चाहोगे तो इस लाइन को हमेशा याद रखना कि अगर ए बी पे फोर्स लगाता है तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा और उन फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो एक बार ये सोच के देखो कि ये जो एम जी है, ये एम जी फोर्स किसने लगाया ब्लॉक पे, एम जी इज ग्रेविटेशनल पुल, किसने लगाया यार, अर्थ ने लगाया। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज अर्थ, बात को समझो। तो अर्थ ने अगर ब्लॉक को एम जी से नीचे खींचा तो ब्लॉक भी अर्थ को एम जी से क्या करेगा, ऊपर खींचेगा। बात समझ में आ रहा है, दिस यू नो ग्रेविटेशनल पुल जिसको हम कहते हैं, अर्थ ने अगर ब्लॉक को नीचे एम जी से खींचा है तो ब्लॉक भी अर्थ को ऊपर एम जी से खींचेगा। ये वाला एम जी एंड ये वाला एम जी, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ये वाला एम जी एंड ये वाला एम जी, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, बात को समझो, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर, गड़बड़ नहीं करने का। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, गेटिंग द पॉइंट। सिमिलरली अभी अगर हमको ये निकालना है कि ये नॉर्मल का पार्टनर कौन है, नॉर्मल का रिएक्शन कौन सा है, तो एक बार ये पूछो, नॉर्मल, ये नॉर्मल किसने लगाया, ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल किसने लगाया। हम सबको पता है कि ये नॉर्मल लगाने वाला कौन है, ये नॉर्मल लगाने वाला है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस ने इस ब्लॉक को क्या किया, ऊपर की तरफ पुश किया है, तो ये नॉर्मल एन लगा। तो अगर
हॉरिजॉन्टल सरफेस ने ब्लॉक पे एन लगाया तो ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नीचे क्या लगाएगा, नीचे एन लगाएगा। बात समझ में आ रहा है? दिस एंड एंड दिस एंड दे विल बी कॉल्ड एज द एक्शन रिएक्शन पेयर। एंड ध्यान से देखो, दिस नॉर्मल्स, दिस बोथ नॉर्मल्स आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हमेशा इस लाइन को याद रखना कि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगा। दैट मीन्स एक फोर्स ए पे लग रहा है, एक फोर्स बी पे लग रहा है। द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। इज दैट क्लियर? पक्का समझ आया? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी आगे क्या है। ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, फिर मैं तुमको रिमाइंड करके जा रहा हूँ। लेट अस टॉक अबाउट इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। बहुत सिंपल सा आइडिया है, ध्यान से देखो। लेट अस से एक टग ऑफ वार चला है। सो यहाँ पर एक बंदा है, इसने बेसिकली रस्सी को पकड़ के रखा है ऐसा। यहाँ पर दूसरा बंदा है, इसने भी रस्सी को पकड़ के रखा है ऐसा, ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रस्सी के थ्रू पुल कर रहे हैं, राइट। दिस इज जमीन, दोनों एक दूसरे के थ्रू पुल कर रहे हैं। तो इस बंदे ने इस लेट अस से दिस पर्सन इज पर्सन ए, दिस लेट अस से दिस इज पर्सन बी। अभी अगर मैं पर्सन ए का एफबीडी बनाऊँ, किसका एफबीडी बनाऊँ, पर्सन ए का, लेट अस से दिस इज पर्सन ए, इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊँ, इसके हाथों पे एक फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, बिकॉज रस्सी इसको खींच रहा होगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हो गया टी, दिस इज पर्सन ए। सिमिलरली अगर मैं पर्सन बी का एफबीडी बनाऊँ, ध्यान से देखना, दिस इज पर्सन बी, इसके हाथों पे भी यहाँ पर एक टी लग रहा है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? अच्छा, अभी अगर तुमको पर्सन ए को एनालाइज करना है, ध्यान से देखना, पर्सन ए को एनालाइज करना है तो तुम सिर्फ पर्सन ए का ही एफबीडी बनाओगे और इसका फोर्सेस शो करोगे। अगर यहाँ पर टी लग रहा है और बाकी फोर्सेस क्या लग रहा होगा, यहाँ पर एक एम जी लग रहा होगा, पैरों में नॉर्मल लग रहा होगा, या यहाँ पर इस तरफ एक पीछे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो दिस विल बी द फोर्सेस। मैं आई एम कंसर्न अबाउट टेंशन, मैं सिर्फ टेंशन को लेकर डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखो, ये जो टेंशन है, इसका पार्टनर, मतलब इसको अगर मैं एक्शन बुलाऊंगा, इसका रिएक्शन किस पर लग रहा है? इस आदमी ने अगर इस पे टी लगाया तो ये आदमी भी इस पे टी लगाएगा। सो ये वाला टी जो कि इस आदमी पर लग रहा है और ये वाला टी जो बी वाले आदमी पर लग रहा है, दे आर एक्शन रिएक्शन। बात समझ में आया? ये वाला टी जो पर्सन ए पर लग रहा है और ये वाला टी जो पर्सन बी पर लग रहा है, दे आर एक्शन रिएक्शन पे, ठीक है ना। अभी अगर मैं सिंपली पर्सन ए को एनालाइज करूँ, ये जो टेंशन टी है, इसका पार्टनर, अगर मैं सिर्फ पर्सन ए को एनालाइज करूँ तो पर्सन ए बन जाएगा हमारा सिस्टम, और टेंशन टी जो है इसका दूसरा पार्टनर हमारे चोजन सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। मतलब इसका जो पार्टनर है, जो रिएक्शन है, वो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ ए को एनालाइज कर रहे हैं। ऐसे केस में हम टेंशन टी को क्या बुलाएंगे? वी शैल कॉल दिस टेंशन टी एज वॉट, एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं सिर्फ पर्सन बी को एनालाइज करूँ तो इस टेंशन का पार्टनर हमारे पर्सन बी वाले सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, तो इस टेंशन को हम क्या बुलाएंगे? इस टेंशन को हम एक्सटर्नल फोर्स बुलाएंगे। दैट मीन्स, मैं क्या मीन करना चाहता हूँ, मैं ये मीन करना चाहता हूँ कि हमने जो सिस्टम चूज किया, उस सिस्टम में एक्शन रिएक्शन में से सिर्फ अगर एक ही पार्टनर प्रेजेंट है तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे उस सिस्टम के लिए, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको इस दोनों को एक साथ एनालाइज करना है, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको अपना सिस्टम मान लिया, अभी दिस इज आवर सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसके हाथों पे यहाँ पर एक टी लग रहा होगा, इसके हाथों पे यहाँ पर एक टी लग रहा होगा, एंड ये हो जाएगा हमारा एक्शन, ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन। और अगर हमने पूरे सिस्टम को एक साथ कंसिडर कर लिया तो ये टी इस टी को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा, बिकॉज दोनों आदमी को हमने अपने सिस्टम में चूज किया। ऐसे सिनेरियो में इस टी को मैं क्या बुलाऊंगा? ऐसे सिनेरियो में इस टी को मैं इंटरनल फोर्स बुलाऊंगा। इंटरनल क्यों? बिकॉज इंटरनल इन द सेंस कि इसका एक्शन रिएक्शन दोनों पेयर हमारे चूजन सिस्टम में प्रेजेंट है, एंड एज बिकॉज दे विल ऑलवेज कैंसिल आउट। हमेशा याद रखना कि सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस कभी भी सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने इंटरनल कहा तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर है कि दिस फोर्सेस विल ऑलवेज कैंसिल आउट। दैट इज द रीजन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ये कहा जाता है, ओनली एन एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज इंटरनल फोर्स विल ऑलवेज कैंसिल आउट। बात समझ में आ रहा है? ओके, आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, अभी हम नेक्स्ट कुछ एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम्स के बेसिक्स को फिर से रिविजिट करते हैं। जल्दी जल्दी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सीन क्या है कि ब्लॉक ऑफ मास एम इज केप्ट ऑन द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर, वेरी बेसिक। लेट अस से इस ब्लॉक का मास कितना एम है, और अगर हमको इसका एफबीडी बनाना है तो बेसिक रूल मैं तुमको बता रहा हूँ, हमेशा इसको फॉलो करना, कि सबसे पहले
तुमको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस शो करना है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब फील्ड फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इस पर क्या लग रहा होगा, इसके पास मास है तो अर्थ इसको नीचे खींच रहा होगा, तो इस पर से एक फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा होगा, दैट इज एम जी विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमेशा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज चालू करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेज शो करना है। कितने सारे कॉन्टैक्ट्स है, एक ही सरफेस कॉन्टैक्ट है, बिकॉज ब्लॉक का बॉटम सरफेस इस जमीन के सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो जमीन का सरफेस ब्लॉक के बॉटम सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा, नॉर्मल इज ए पुश अवे फोर्स, तो ये जमीन जो है ब्लॉक को पुश अवे करेगा, पुश अवे करेगा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। बस ये है बेसिक एफबीडी बनाने का, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ के कुछ और एफबीडीज देखते हैं। सोचो कि तुम्हारे सामने ऐसा एक सीन है जहाँ पर तीन ट्राइंगुलर ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, इसका एफबीडी बनाना है, तो इट्स ओके फाइन, इट्स नॉट ए बिग डील, आराम से करते हैं। अगर मैं ए ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा, ध्यान से देखना, दिस इज ए ब्लॉक, है ना, तो सबसे पहले मैं ये ड्रॉ करूँगा कि इस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लग रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, वो हमने शो कर दिया। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको ये सोचना कि कितने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कि क्यों, क्योंकि जितने सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे उतने सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब नॉर्मल आएंगे। तो ध्यान से देखो, इसका टिप जो है वो जमीन के साथ कनेक्टेड है, एक इस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है। इज दैट क्लियर, दैट मीन्स देर आर टू कॉन्टैक्ट सर्फेसिस, तो दो नॉर्मल्स आएंगे। अगर दो नॉर्मल्स आएंगे, एक नॉर्मल किधर लग रहा होगा, लेट्स से एक नॉर्मल इस एज पर लग रहा होगा, किधर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज एन वन, और ये इस सरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा वो बी क्या कर रहा होगा, ए को धक्का दे रहा होगा, पुश अवे कर रहा होगा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, लेट अस से दैट इज एन टू, ठीक है। अभी लास्ट में तुमको क्या शो करना है, लास्ट में तुमको एक्सटर्नल फोर्स शो करना है, और इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, ठीक है। तीन कैटेगरी ऑफ फोर्सेस मैंने शो किया, एक तो हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक तो हो गया नॉर्मल, राइट, एन वन एन टू, दूसरा हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ये तो हो गया एफ का डायग्राम। अभी अगर तुमको बी का एफबीडी बनाना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी अगर हमको बी का एफबीडी बनाना है, उसको एक बार देखते हैं क्या होगा। अगर ये बी ब्लॉक है, तो सबसे पहले ये सोचो कि बी को क्या करेगा, अर्थ नीचे की तरफ खींचेगा, तो अर्थ से नीचे खींच रहा है फोर्स ऑफ वर्ट एम जी। नेक्स्ट मैंने क्या सिखाया, ये सोचो कि कितने सारे सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है, एक तो ये बॉटम वाला सरफेस है, एक ए के साथ कॉन्टैक्ट है, एक सी के साथ कॉन्टैक्ट है, मतलब तीन नॉर्मल्स आएगा, है ना। तो जमीन वाले नॉर्मल को लेट अस से मैं क्या नाम दूँ, एन वन एन टू हो गया, लेट अस से एन थ्री नाम दे दिया, ठीक है। अभी ए और बी के बीच का जो कॉन्टैक्ट है, इसके कारण एक नॉर्मल आएगा, और याद करो जब हमने ए का एफबीडी बनाया था, तब मैंने ये कहा था कि बी ने ए को धक्का दिया एन टू, तो बी ने अगर ए को एन टू से धक्का दिया, तो ए भी बी को एन टू से अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, तो यहाँ पर और एक फोर्स आएगा ऐसा कुछ, लेट अस से दैट इज एन टू, है ना, दिस एन टू एंड दिस एन टू, दे आर भाई भाई, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर, क्लियर। एंड बी एंड सी के बीच और एक कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, नॉर्मल आएगा, तो सी क्या करेगा, बी को धक्का देगा, पुश अवे करेगा, तो बी पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरफ आएगा, परपेंडिकुलर, एन वन लिख लिया, एन टू लिख लिया, एन थ्री लिख लिया, लेट अस से दिस इज एन फोर, है ना, ठीक है। तो बी का एफबीडी भी बन गया। अभी सी का अगर हमको एफबीडी बनाना है, वो भी सिंपल है, वो बना के देखते हैं फटाफट, जो रूल्स है बस उसको फॉलो करना। ऐसा है कि इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको हम फटाफट शो कर देते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स का लग रहा होगा एम जी। फिर देखो कितना सारे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, एक बी और सी का कॉन्टैक्ट, इज दैट क्लियर। तो जमीन वाले कॉन्टैक्ट के कारण इस पर और एक नॉर्मल लगेगा। अभी देखते कितना नंबर्स हमने यूज़ कर लिया, एन फोर तक हमने यूज़ कर लिया, चलो हम इसको एन फाइव बोलते हैं। और दूसरा कॉन्टैक्ट इसके बीच है, बी के साथ है, बी एंड सी के बीच का एक कॉन्टैक्ट है, सुने हो ना पक्का। तो बी ने, सी ने बी को कितने से धक्का दिया था, एन फोर से, करेक्ट, इसके पिछले वाले एफ बी डी में। तो बी भी सी को इस तरफ कितने फोर से धक्का देगा, एन फोर, फोर से ही धक्का देगा, ये एन फोर एंड ये एन फोर, दे आर बेसिकली एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड बोथ ऑफ देम आर एक्शन रिएक्शन पेयर, हमेशा याद रखना। ये हो गया सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी लास्ट में हम क्या शो करेंगे, लास्ट में हम एक्सटर्नल फोर्स शो करेंगे, दिस इज एफ। देखो मैं तुमको ये सीक्वेंस बार बार इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम फोर्सेस एफबीडी बनाने में मिस ना करो, क्योंकि कभी कभी ना कुछ फोर्सेस हम शो करना भूल जाते हैं। तो इस सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करना, सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को शो करना, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस को, उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबको पता है, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये वर्ड जो हमने एक्सटर्नल यूज किया है, इसका लॉजिक मैंने इसी वीडियो में तुमको समझाया था, मैंने कहा था कि इंटरनल फोर्सेस हमेशा कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स ही
अनबैलेंस्ड रहेगा वही किसी सिस्टम का स्टेट बदल सकता है। इसको लेकर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुमको ये भी बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। एक बार ये बताओ कि इनर्शिया क्या है, व्हाट इज इनर्शिया, याद है इनर्शिया क्या है, एक बार बता के रख रहा हूँ। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, राइट, टेंडेंसी ऑफ मोशन। आई होप सो तुमको ये सारी चीज़ें याद है। टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी का मतलब क्या है, मतलब उसका कितना इच्छा है अपना स्टेट कंटिन्यू करने का। मतलब अगर तुम्हारे सामने एक छोटा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर को हिलाना मुश्किल है, मतलब वो रेस्ट में ज़्यादा रहना चाहता है एज कम्पेयर टू द छोटा पत्थर, तो बड़े पत्थर का इनर्शिया हम बोलेंगे ज़्यादा है। ठीक है, एक ट्रेन आ रहा है तुम्हारे सामने, एक साइकिल आ रहा है तुम्हारे सामने, साइकिल को रोकना आसान है, ट्रेन को रोकना बहुत ही मुश्किल, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेन का जो मोशन में रहने का टेंडेंसी वो क्या है, ज़्यादा है। तो हम इनर्शिया को मेजर कैसे करते हैं, इनर्शिया को मेजर करते हैं मास से, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। दैट इज़ द रीज़न, बड़े वाले पत्थर का मास ज़्यादा था इसलिए उसको मूव करवाना ज़्यादा डिफिकल्ट था, ट्रेन का मास ज़्यादा था इसलिए उसको रोकना ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो तुमको अच्छे से याद रखना है, राइट, आई होप सो तुमको याद आ गया। नेक्स्ट है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत लोग एफ इक्वल टू एम ए कहते हैं, ठीक है ना, एफ इक्वल टू एम ए कहते हैं, लेकिन एफ इक्वल टू एम ए कोरोलरी है। एक्चुअली एफ इक्वल टू एम ए इज नॉट द पैरेंट एक्सप्रेशन, द पैरेंट एक्सप्रेशन इज एफ वैक्टर, एक मिनट, एफ वैक्टर इज इक्वल टू वट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर अगर हम डेरिवेटिव ऑफ पी वेक्टर की जगह हम लोग क्या पुट कर दें, मास इनटू वेलोसिटी, और अगर मास कांस्टेंट हुआ, अगर हम मास को हम बाहर रख देते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन, यहाँ से एक्सप्रेशन आता है। पर एक्चुअली पैरेंट फॉर्मूला क्या है, पैरेंट फॉर्मूला तो ये है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, याद रहेगा। ठीक है, पी एक पी मतलब मोमेंटम सबको पता होगा। तो अभी अगर तुमको कोई पूछे कि ये बताओ, वी नीड टू फाइंड आउट द फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, है ना, नीड टू फाइंड आउट फोर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, बिकॉज एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो तुम क्या करोगे, इन दैट केस यू नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो तुम अगर यू नो डिफ्रेंशिएट करोगे मोमेंटम को, तो कौन से डायरेक्शन के मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स डायरेक्शन को। सिमिलरली अगर हमको एफ वाई वैक्टर निकालना है, याद रखो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेरिवेटिव ऑफ हम क्या लिख देंगे, दिस इज पी वाई वैक्टर, मतलब पी डायरेक्शन वाला जो मोमेंटम है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे। और अब अभी अगर हमको जेड वाला चाहिए, ये तो तुमको समझ में आ ही चुका होगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, मोमेंटम अलोंग जेड डायरेक्शन। तो ऐसे करके हम निकालेंगे, है ना, पक्का क्लियर, समझ में आया। ओके, अब तक हमने जो सीखा है वो थोड़ा क्वेश्चंस में यूज़ करके मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी सस्पेंडेड विद अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एकदम सीधा सीधा प्रॉब्लम। तो ऐसे केसेस में करना क्या पड़ता है, सब फटाफट ब्लॉक का बीडी बनाना है ना। ये चीज़ें तो तुमको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार रिविजन कर लेते हैं। लेट अस से ब्लॉक का मास एम मान लिया हमने, तो ब्लॉक का मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले क्या शो करना है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एम जी हमने शो कर दिया। ये नीचे आना चाहता है लेकिन यहाँ पर रस्सी कनेक्टेड है, रस्सी हमेशा क्या करता है, पुल करता है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने ऐसा लिख दिया, और मुझे ये पता है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो टेंशन का वैल्यू टी इक्वल टू हम क्या कर देंगे, एम जी लिख देंगे। तो हमने सबसे पहले एफ डी बनाया, फोर्सेस शो कर दिया, सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके बाद कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उसके बाद इक्वेशन लिखो। इज दैट क्लियर? ओके, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट वाला सिनेरियो देखते हैं कैसे है। देखो नेक्स्ट वाले सिनेरियो में क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत सारे रोप्स हैं, एक दो तीन चार पाँच, बहुत सारे रोप्स हैं, ब्लॉक है 10 kg का, और यहाँ पर तुमको ये पूछा गया है कि हर एक रस्सी में टेंशन कितना है ये बताओ। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, एक छोटा सा चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि मासलेस रोप में टेंशन हमेशा क्या होता है, सी याद रखना कि मासलेस रोप, अगर रोप में कोई मास नहीं है, मासलेस रोप में हमेशा टेंशन क्या होगा, टेंशन विल बी सेम। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। देखो ये एक रस्सी मानता हूँ मैं, ठीक है, ये जो रस्सी तुमको दिख रहा है, मैं थोड़ा, चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना। ओके, तो ये जो रस्सी तुमको दिख रहा है ये तो मासलेस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस रस्सी का टेंशन अगर मैं T1 मानता हूँ, तो रस्सी के हर जगह पर, इस रस्सी के हर जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा, T1 ही होगा। ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूज मत होना, देखो ये रस्सी भी मासलेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगह के, इस रस्सी के हर जगह टेंशन का वैल्यू T1 होगा, नहीं। अगर रस्सी मासलेस है तो उस पर्टिकुलर रस्सी के हर जगह टेंशन का वैल्यू
सेम होगा। और रस्सी में टेंशन कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि रस्सी को कैसे खींचा गया है, बिकॉज रस्सी को जिस तरीके से खींचोगे उस पर डिपेंड करेगा कि रस्सी में टेंशन कितना डेवलप होगा। अभी देखो इस रस्सी का जो स्ट्रेचिंग वाला कंडीशन है और इस रस्सी का जो स्ट्रेचिंग वाला कंडीशन है वो अलग अलग है, तो डेफिनेटली दोनों रस्सी में टेंशन सेम नहीं होगा। इस रस्सी का भी स्ट्रेचिंग कंडीशन अलग है, इस रस्सी का भी स्ट्रेचिंग कंडीशन अलग है, तो डेफिनेटली टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। यस द रोप्स आर मासलेस, करेक्ट, बट द वे दे आर बीइंग स्ट्रेच्ड दे आर डिफरेंट। बट इससे कंफ्यूज मत होना कि अगर मैं मासलेस कहता हूँ तो मैं किसी एक पर्टिकुलर रोप के बारे में कह रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर रोप की हर जगह जो टेंशन है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर अलग अलग रोप के बारे में बात करोगे और अलग अलग रोप अलग अलग तरीके से खींचा गया है तो अलग अलग रोप में टेंशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ, T4 अगर ये टेंशन है तो हर जगह टेंशन का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, T4 ही होगा। अगर ये T3 है तो हर जगह टेंशन का वैल्यू क्या होगा, T3। बात समझ आया? ओके, अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, 10 kg का वाला ब्लॉक है, 10 kg इसका मास दिया हुआ है, तो हम यहीं से चालू करेंगे। लेट अस सी, इस रस्सी का टेंशन हमने T0 लिख के रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं इस 10 kg का FBT बनाऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो अर्थ इसको नीचे खींच रहा होगा कितने फोर्स से, लेट अस से 10G फोर्स से नीचे खींच रहा होगा, करेक्ट। अभी अगर हमको टेंशन शो करना है तो इसके साथ सिर्फ एक ही रस्सी कॉन्टैक्ट में है, T0 वाला रस्सी कॉन्टैक्ट में, और टेंशन होगा ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो हमने T0 लिख दिया। और मुझे पता है कि ये रस्सी बेसिकली मूव नहीं कर रहा, तो T0 का वैल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, हम T0 का वैल्यू बराबर 10G लिख सकते हैं। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वही बता के जाऊंगा अभी। तो ऐसे क्वेश्चन को करोगे कैसे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है तुमको हमेशा जो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन मतलब ये वाला पॉइंट, इसको मैंने जंक्शन क्यों कहा, बिकॉज इस पॉइंट के साथ बहुत सारे रस्सी कनेक्टेड है। सबसे पहले उस जंक्शन पॉइंट का FBD बनाना है, रस्से जंक्शन पॉइंट ए का FBD बनाना है। तो ये मैंने जंक्शन पॉइंट ए, यहाँ पर ये वाला पॉइंट ए ड्रॉ कर दिया। अभी हम फोर्सेस को शो करते हैं। सबसे पहले ये सोचो कि क्या इस जंक्शन पॉइंट का कोई मास है, मास नहीं है यार, ये तो पॉइंट है, मासलेस है ये पॉइंट, तो MD लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट बारी किसका आता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का। कितना सारा कॉन्टैक्ट है, 1, 2, 3 रस्सी का कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब है 3 टेंशन आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे वर्टिकल एक ऐसा बना दिया, ऐसा वर्टिकल लाइन बना दिया। T0 वाला रस्सी, ये जो वाला जो रस्सी है, इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींचेगा, या तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमने ऐसे लिख दिया T0, बिकॉज इस पॉइंट को नीचे खींच रहे हैं। ये जो T2 है, ये वाला रस्सी वाला जो टेंशन है, इस पॉइंट को क्या करेगा, इस पॉइंट को भी खींचेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना होगा, T2। और ध्यान देना कि ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, इज दैट क्लियर। अभी बारी है किसका, T1 का। T1 वाला रस्सी भी इसको, इस पॉइंट को क्या कर रहा होगा, रस्सी हमेशा पुल करता है, तो पुल कर रहा होगा रस्सी, अगर पुल कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में ऐसा आएगा टेंशन, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं। अब इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, T2 को रिजॉल्व कर दो, T2 का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज T2 sin 30, दैट इज T2/2, और T2 का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज T2 cos 30, दैट इज T2 √3/2। उसके आगे मैं नहीं करूँगा, ये फोर्स बराबर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर ये फोर्स, इससे तुमको एक इक्वेशन पता चल जाएगा। तुमको मैं इक्वेशन कैसा लिखना पड़ता है, सोचना कैसे पड़ता है वो सिखा रहा, ठीक है अभी। ओके, नेक्स्ट, अभी अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ, अब तक तो तुमको समझ में आ ही चुका होगा, बी पॉइंट का अगर हम FBD बनाना चाहते हैं, चलो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के साथ कितने सारे रस्सी कनेक्टेड है, 1, 2, 3, तो 3 टेंशन आएगा, एंड ऑल द टेंशन विल बी बेसिकली पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। T4 क्या कर रहा होगा, इसको ऐसे खींच रहा होगा, है ना, और ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। T2 क्या कर रहा होगा, T2 भी खींच रहा होगा, ध्यान से देखो, T2 भी क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा समवेयर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इसको मैंने T2 बोल दिया, इज दैट क्लियर, पक्का T2 खींच रहा होगा। ये T3 भी इस पॉइंट को क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, रस्सी हमेशा पुल करता है, तो वो इस तरफ होगा कुछ, और इस डायरेक्शन को हम क्या दे सकते हैं, T3, और ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। लेट अस इस वर्टिकल को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, तो इस एंगल को भी हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं। अभी तुम्हारा काम है T4 को रिजॉल्व करो, T2 को रिजॉल्व करो, X कॉम्पोनेंट को बराबर कर दो, Y कॉम्पोनेंट को बराबर कर दो, बिकॉज ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा। उसके बाद आराम से तुमको इक्वेशंस मिल जाएगा, सिर्फ उसको सॉल्व करना है, इज दैट क्लियर। याद रहेगा मैंने जो जो चीज़ बोला समझाया, ओके। इस सिचुएशन को थोड़ा देखते हैं, मैंने पढ़ा दिया इसको और इतना डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन देखो ये रस्सी और ये रस्सी दोनों दिख रहे हैं,
एंड आई होप सो तुमको ये समझ में आया कि दोनों रस्सी को एक ही तरीके से खींचा गया है, द कंडीशंस आर एग्जैक्टली सेम। सो हम इसको देख के कह सकते हैं कि T1 का वैल्यू बराबर T2 का वैल्यू होना चाहिए। और देखो ये वाला रस्सी और ये वाला जो रस्सी है, दे आर एग्जैक्टली स्ट्रेस्ड इन द सेम मैनर, इवन दो दे आर डिफरेंट रोप्स, लेकिन दोनों का टेंशन हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का टेंशन हम सेम लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों का स्ट्रेचिंग कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली सेम। देखो यहाँ पर हम लोगों ने जब सॉल्व किया, यही यूज़ किया T4 इक्वल टू T5, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज़ किया, T1 इक्वल टू T2। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना। अभी देखो, अभी अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं, नेक्स्ट वाला सीन, यहाँ पर एक ब्लॉक है 10 kg 20 kg का ब्लॉक है, फोर्सेस पूछा गया है। मैं तुमको सिर्फ देखो इक्वेशन लिख के सॉल्व करना तुमको आएगा, लेकिन सोचना कैसा है वो सिखा रहा, ठीक है ना। ओके, अभी देखो कि यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक है, 20 kg का ब्लॉक है, 50 न्यूटन 100 न्यूटन लग रहा है, तो इसके एफबीडी कैसे बनाओगे? जो रूल्स सिखाया है उसको हमेशा फॉलो करना। सबसे पहले 10 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कौन सा फोर्स शो करना है, सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स शो करना है, ये कितना हो जाएगा 10 g। फिर ये सोचो कि 10 kg ब्लॉक के साथ कितने सारे सरफेसेस कॉन्टैक्ट में, एक तो ज़मीन वाला सरफेस है, एक तो ये वर्टिकल सरफेस है। ज़मीन वाले सरफेस के लिए ऊपर की तरफ एक पुश अवे फोर्स आएगा, आएगा ना ऊपर की तरफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसे ऊपर की तरफ हम N1 लिख सकते हैं। और 20 kg ब्लॉक 10 kg ब्लॉक को पसंद नहीं करता, पुश अवे करेगा, तो यहाँ पर भी इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल लगेगा, और इस नॉर्मल का वैल्यू हम लिख के रखते हैं अगर से दर इज N2। अगर 20 kg ने 10 kg पे N2 लगाया, भूलो मत, ये 10 kg भी 20 kg पे N2 लगाएगा, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 100 न्यूटन। इज दैट क्लियर? तो एफबीडी इस वाले का कंप्लीट, हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करना। अभी अगर हमको 20 kg वाले का एफबीडी बनाना है, ध्यान से देखो, 20 kg वाले का एफबीडी बनाना है, तो इसका खुद का सेल्फ वेट कितना होगा? सबसे पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम शो करेंगे, दिस इज 20 g। फिर हम ये देखेंगे कि इतने सारे कॉन्टैक्ट है, 10 kg वाला कॉन्टैक्ट है, ज़मीन वाला कॉन्टैक्ट है, अगर इससे ज़मीन वाला कॉन्टैक्ट यहाँ पर नॉर्मल लगा रहा है, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, अगर से N3, ठीक है ना। और 20 kg 10 kg को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है विद द फोर्स ऑफ N2। तो 10 kg भी 20 kg को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पुश अवे करेगा, और इस तरफ क्या लगेगा, N2 लगेगा। भूलो मत, दिस N2 आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, एंड दे आर डेफिनेटली एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना इस बात को। अभी हमने सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स शो कर लिया, कॉन्टैक्ट फोर्स शो कर लिया, अभी बाकी है ये 50 न्यूटन को ड्रॉ करने का, ठीक है, बढ़िया है, 50 न्यूटन को भी हम ड्रॉ कर देंगे। लगस से ये वर्टिकल के साथ 50 न्यूटन बना रहा है, ऐसे करके 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, थोड़ा क्लमजी हो रहा है, बियर विद द डायग्राम। और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, है ना, ये 30 डिग्री है। तो 50 न्यूटन को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 50 न्यूटन को रिजॉल्व करूँगा तो एक कॉम्पोनेंट ऐसा आएगा, एक कॉम्पोनेंट ऐसा आएगा, तो ये 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, है ना। तो अगर ये 50 है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा, 50 cos 30, दैट इज 25√3, है ना। और ये वाला कितना होगा, 50 sin 30, जिसको हम 25 लिख सकते हैं। तो इस तरफ 25, इस तरफ 25√3। तो डायग्राम ढंग से बनाने के लिए तुम डायरेक्टली ना इतना गंदगी करने का ज़रूरत नहीं है, ये निकालना, निकाल के डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देना, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। जितना मुझे याद है, नीचे की तरफ कितना लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था 25√3, और इस तरफ कितना लग रहा था, ऐसे शो कर दो, इट विल बी ईजियर। यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 25। तो ऐसा FBD बना के आराम से बढ़िया तरीके से तुम FBD बना के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, ठीक है, समझ आया। यहाँ पर एक छोटा सा केस डिस्कस करना चाहूँगा, देख रहा है एक पुली है, पुली के चारों तरफ एक रस्सी रैप करके 10 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर तुमको क्वेश्चन ने ये पूछ दिया कि पुली पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ, या पुली पे तो नेट फोर्स 0 है बिकॉज पुली मूव नहीं कर रहा, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि रस्सी ने कितना फोर्स लगाया पुली पे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पुली, यू एग्री विद दिस, दिस इज अवर पुली, एंड पुली के चारों तरफ एक रस्सी रैप्ड है। तो यहाँ से और यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है रस्सी का, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है रस्सी का, तो यहाँ पर हम एक टेंशन शो करेंगे, यहाँ पर भी एक टेंशन शो करेंगे, एंड इज बिकॉज द रस्सी इज द सेम रस्सी, सेम मासलेस रस्सी है, तो टेंशन दोनों जगह क्या होगा सेम। और मैंने सिखाया था कि टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो इन दिस केस हम टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा दे सकते हैं, दिस इज T, और यहाँ पर हम टेंशन का डायरेक्शन ऐसा दे सकते हैं, दैट इज T,
इज दैट क्लियर, इज दैट बीडी कम्प्लीट? दैट बीडी इज नॉट कम्प्लीट बिकॉज पुली मासलेस है, इसलिए हमने एम जी शो नहीं किया, कॉन्टैक्ट फोर्सेस सबसे पहले शो किया, रस्सी वाला कॉन्टैक्ट शो किया, और ये जो क्लैंप, ये रॉड ने इस पुली को पकड़ के रखा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस रॉड ने पुली को पकड़ के रखा है, तो रॉड इसके सेंटर पे किधर फोर्स लगाएगा? एक बार पुली को पूछो, पुली पुली ये टी टी तुमको किधर फोर्स लगाना चाहते हैं? ये इन दोनों टी का रिजल्टेंट ऑब्वियसली हम इमेजिन तो कर ही सकते हैं, इस तरफ है ना, पुली को इधर खींच रहा है, फिर भी पुली मूव नहीं कर रहा, मतलब क्लैंप ने इस तरफ फोर्स लगा के रखा होगा। बात समझ में आ रहा है? इनफैक्ट मैं ये लिख सकता हूँ कि ये वाला फोर्स इन दोनों टेंशन के रिजल्टेंट को कैंसिल आउट करता है, मतलब दोनों टी का अगर मैं रिजल्टेंट निकालू ना, दोनों टी का रिजल्टेंट वो एग्जैक्टली ऐसा पास करेगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दी टेंशन। इनफैक्ट मैं ये लिख भी सकता हूँ कि एफ बराबर रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे दैट इज रूट टू टी। ऐसा तुमको अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि क्लैंप ने कितना फोर्स लगाया, तो अगर तुमने किसी तरह टेंशन निकाल लिया तो क्लैंप वाला फोर्स, ये जो एफ है ये तो क्लैंप वाला फोर्स है, ये भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो टेंशन का वाला हम कहाँ से निकाले? बहुत सिंपल सा है, इस वाले ब्लॉक के एबिटी बना लो, इस वाले ब्लॉक में नीचे कितना लग रहा है भाई साहब? इस वाले ब्लॉक में नीचे 10G लग रहा है, और ऊपर रस्सी अटैच्ड है तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और इस ब्लॉक का इक्वेशन क्या बनेगा? टी दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10G। तो टी पता चल गया, पुली पे टेंशन का टोटल फोर्स कितना होगा? रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रूट टू टी, ये रस्सी का नेट फोर्स है पुली पे, करेक्ट। या तुमको क्लैंप वाला फोर्स पूछे तो क्लैंप वाला फोर्स कितना होगा? मैंने सारा जो अलग अलग क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सब कुछ बता दिया, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट एक नया आइडिया, क्वेश्चन ऐसा है कि 2 kg ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास अननोन है, पूछा है कि इस ब्लॉक का मास कितना होना पड़ेगा ताकि पूरा सिस्टम रेस्ट में रहे, ताकि पूरा सिस्टम मूव ना करे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है हमेशा याद रखना, एज बिकॉज एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट, कुछ भी मूव नहीं कर रहा ना, तो इस पूरे को ना, इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, पूरे को एक सिस्टम मान लो, ध्यान से सुनो। रेस्ट से इसका मास हमने एम माना, नीचे कितना लग रहा है? यहाँ पर एम जी लग रहा है, करेक्ट। यहाँ पर कितना लग रहा होगा? 2G लग रहा होगा। अगर ये 2 kg है तो यहाँ पर एक 2G लग रहा होगा, लेकिन इस ब्लॉक को अगर इंक्लाइन प्लेन के अलावा कोई स्लाइड कराएगा, कौन कराएगा? ये वाला कंपोनेंट कराएगा, और आई होप सो तुमको पता है कि ये वाला कंपोनेंट हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, तो ये 30 degree है, तो इस वाले कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा? दिस इज 2G sin 30, हमेशा याद रखना, दिस इज 2G sin 30, ठीक है। अभी मैं जो टेक्निक बोल रहा हूँ उस टेक्निक को फॉलो करो, एक शॉर्ट ट्रिक है जिस ट्रिक से तुम इस पूरे प्रॉब्लम को एक झटके में सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने पूरा सिस्टम ऐसा मान लिया, तो मैंने पूछा ये 2G तुम क्या कर रहे हो? 2G बोलेगा सर मैं इस पूरे सिस्टम को नीचे खींच रहा हूँ, नीचे लेके आना चाहता हूँ, 2G sin 30। ये क्या बोलेगा? यस सर मैं भी इस पूरे सिस्टम को इस तरफ नीचे खींचना चाह रहा हूँ, इज दैट क्लियर। तो ये 2G sin 30 नीचे लेके आना चाहता है, ये वाला 2G भी नीचे लेके आना चाहता है, और ये एम जी क्या कर रहा है? ये पूरा सिस्टम ये और ये नीचे खींच रहा है, और ये एम जी क्या कर रहा है? ऑपोजिट सेंस में फोर्स लगा रहा है, मतलब नीचे जाने से रोक रहा है, बिकॉज वो बेसिकली इस तरफ फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स ये दोनों मिलके इस तरफ पुल कर रहा है, एम जी लग के इस तरफ पुल कर रहा है, और मुझे पता है ये पूरा सिस्टम मूव नहीं करता, तो इस तरफ का पुलिंग फोर्स शुड बी बैलेंस्ड बाई इस तरफ का पुलिंग फोर्स। तो हम ये लिख सकते हैं कि एम जी का वैल्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2G लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2G sin 30, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि अगर तुम किसी सिस्टम को जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो, ऑलवेज टेक दैट एडवांटेज। ध्यान से देखो, मैंने इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम जैसा ट्रीट किया, और देखा भाई ये इसको पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है, ये एक तरफ लेके जाना चाहता है, ये दूसरी तरफ लेके जाना चाहता है, और पूरा सिस्टम हिल नहीं रहा। सो बोथ द ग्रुप्स शुड कैंसिल आउट ईच अदर, एक ग्रुप में सिर्फ एम जी है, दूसरे ग्रुप में ये दोनों फोर्सेस है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब तक हमने जितना भी डिस्कशन किया दैट वाज अबाउट बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, बिकॉज नेट फोर्स हमेशा जीरो था, राइट। अभी जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट बॉडीज विच विल एक्सीलरेट। देखो क्वेश्चन के फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन मास m1, m1 पे एफ फोर्स लगा है, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम, ए एंड बी के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा गया है, ठीक है ना। फाइन, समझ में आता है कि ए एंड बी के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा गया है, बट
एस बिकॉज द जमीन इज परफेक्टली स्मूथ, और इस सिचुएशन को देख के हम आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई M1 M2 दोनों एज ए सिंगल सिस्टम, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करके इस तरफ एक्सिलरेट करेगा. यस, वो तो हम आराम से कंक्लूड कर सकते हैं. तो कभी भी तुम एक्सिलरेटिंग सिस्टम के साथ डील करोगे, तुम्हारा सबसे पहला काम होता है एक्सिलरेशन निकालना. करेक्ट, क्या निकालना है? एक्सिलरेशन निकालना है. सिस्टम किसको चूज करोगे? मैंने क्या कहा था, क्या M1 एंड M2 आर दे नॉट बिहेविंग लाइक ए सिंगल ऑब्जेक्ट, दे आर मूविंग टुगेदर. तो मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानूंगा. मैं बोलूंगा कि मेरे पास, दिमाग में सोचूंगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक है. क्या बोलूंगा? कि मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक है जिसका मास कितना है, जिसका मास है M1 प्लस M2, है ना. इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स, एंड इट इज मूविंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ ए. तो ए का वैल्यू क्या होगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज M1 प्लस M2. ये आइडिया हमेशा हमेशा यूज करना है. कभी भी एक्सीलरेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये अटेम्प्ट करना कि एक्सीलरेशन निकालो, बिकॉज बिना एक्सीलरेशन निकाले हम कुछ भी कर नहीं सकते. ठीक है, अभी बोला है इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट फोर्स कितना, वो बताओ. ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स अगर बताना है M1 M2 के बीच, तो एक बात को समझो कि अगर मैं दोनों ब्लॉक को एक साथ मानूंगा, M1 M2 को एक साथ सिस्टम में चूज करूंगा, तो M1 M2 को पसंद नहीं करता, रिपेल कर रहा होगा. M2 भी M1 को क्या करेगा? रिपेल कर रहा होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर. और अगर मैं दोनों को एक साथ कंसिडर कर लूँ तो दिस एंड विल बिकम इंटरनल फोर्स एंड दे विल कैंसिल आउट. वो मेरी इक्वेशन में कभी आएगा ही नहीं. अगर मुझे n का वैल्यू निकालना है तो मैं जो सिस्टम चूज करूंगा उस सिस्टम के लिए नॉर्मल n शुड बी एन एक्सटर्नल फोर्स, तब जाके वो कैंसिल आउट नहीं होगा. इसलिए मैं दोनों ब्लॉक्स को एक साथ सिस्टम में चूज नहीं कर सकता, मुझे इन दोनों में से किसी एक का FBD बनाना पड़ेगा. तो अगर मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल M2 का FBD बनाता हूँ, M2 का, राइट, अंडरस्टैंड, दिस इज M2, M2 का अगर FBD बनाता हूँ, मैंने क्या रूल सिखाया था? सबसे पहले क्या शो करना है? इसका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज M2G. फिर ये सोचो कितने सारे कॉन्टैक्ट है. एक जमीन वाला कॉन्टैक्ट है, जमीन वाले कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या रहा होगा? N1. और क्या है? M1 M2 के बीच का कॉन्टैक्ट है. M1 M2 को पसंद नहीं करता, रिपेल करेगा, पुश अवे करेगा, तो नॉर्मल इस तरफ लगेगा, तो इस सरफेस पे नॉर्मल N ऐसा लगेगा. एनीथिंग एल्स? बहुत लोग क्या गलती करते हैं मैं बताऊं? बहुत लोग ये गलती करते हैं कि इस F को भी ना M2 पे लगा देते. यार F जो है वो M2 पे नहीं लग रहा है यार. F किस पे लग रहा है? F कॉन्टैक्ट किसके साथ है? M1 के साथ है. अगर ये राम है, ये श्याम है, अगर मैं राम को मारूंगा, F मतलब राम पे लग रहा है ना, तो M1 मतलब राम को थप्पड़ मारूंगा तो शाम को दर्द थोड़ी ना होगा. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? F मतलब थप्पड़, किसको मारा मैंने? M1 M1 मतलब राम, M2 क्या है? शाम. बात समझ में आया? तो अगर मैंने थप्पड़ मारा M1 को तो वो फोर्स किस पे लग रहा है? राम पे ही लग रहा है ना, शाम पे नहीं लग रहा. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये F जो है ये किसके साथ कॉन्टैक्ट में है? M1 के साथ कॉन्टैक्ट में है. उसको कभी भी M2 के ऊपर मत बनाना. मैं समझ में आया वो किस पे लगेगा? M1 पे ही लगेगा. तो ये हो गया हमारा डायग्राम. आगे बढ़ते हैं. मुझे पता है कि M1 M2 पूरा सिस्टम आगे कितने सिलेशन से जा रहा है? A से जा रहा है. इज दैट क्लियर? अभी अगर हमको इक्वेशन लिखना है, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि एफ नेट क्या कहता है? एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट? मास इंटू एक्सीलरेशन. तो मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं. सो इन दिस केस ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है? सिर्फ एंड सिर्फ नॉर्मल. तो हम ये एकदम सिंपल केस एन लिखते हैं हमें, दैट इज बराबर M2 इंटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 लिख सकते हैं. और एन ही है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन समझना बहुत जरूरी है. देखो यहाँ पर देर आर टू ब्लॉक्स, बीच में एक रस्सी है 5 kg, 2 kg. रस्सी में भी मास है, इस बार दिस इज 3 kg. रस्सी में मास है तो मैं आई थिंक से तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर मास फुल रोप है, मास है तो टेंशन अलग अलग जगह अलग अलग होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा है? द होल सिस्टम इज एक्सीलरेटेड अपवर्ड्स बाई 2 m/s². पूरा जो सिस्टम है दिस इज एक्सीलरेटेड अपवर्ड्स विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 m/s². तो यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालने का मेहनत नहीं करना आपको. बाय एन एक्सटर्नल फोर्स F0, व्हाट इज F0? F0 पूछा है. फाइन, एक बात का जवाब दो, क्या 5 kg, 2 kg एंड 3 kg ऑल ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर? यस. अगर सारा सारा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इस पूरे सिस्टम को एक, ये तीनों ब्लॉक्स एंड रस्सी को एक सिंगल सिस्टम जैसा ट्रीट कर सकता हूँ, ऐसा ट्रीट कर सकता हूँ पूरा,
कंप्लीट। तो ऐसे होने से क्या होगा, रस्सी का जो टेंशन बढ़ेगा वो क्या बन जाएगा, वो एक इंटरनल फोर्स बन जाएगा और वो मेरे इक्वेशन में आएगा नहीं। तो मुझे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को शो करना है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सबसे पहले अर्थ इसको खींच रहा है 3G से, रस्सी का खुद का वेट कितना होगा 2G, इसका वेट कितना होगा दिस इज 5G, आई होप सो तुमको दिखाई दे रहा है, एंड बाहर एक F0 लग रहा है। सर टेंशन टेंशन यार, टेंशन विल नॉट विल बिकम व्हाट विल बिकम एन इंटरनल फोर्स। तो टेंशन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे विल फाइनली कैंसिल आउट ईच अदर, हमको सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस शो करना है। तभी अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एज बिकॉज ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा। तो एफ नेट हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स क्या कैसे करते हैं, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स कितना होगा दैट इज एफ नॉट माइनस नीचे वाला फोर्स। देखो 5G 2G एंड 3G देयर इन द सेम पार्टी, सो 5G प्लस 2G प्लस 3G देयर बेसिकली इन द सेम पार्टी, दैट इज इक्वल टू व्हाट मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, मैंने सिस्टम पूरे को माना है तो पूरे सिस्टम का मास कितना है, दैट इज 5 प्लस 2 प्लस 3 इनटू एक्सेलरेशन, हमने क्या लिखते हैं यहाँ पर 2 m/s पर। यहाँ से एफ नॉट निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। इज दैट क्लियर, ओके फाइन। अभी देखो पूछा क्या, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप, पूछा कि इस रोप पे, रोप जो है उस पे नेट फोर्स क्या है। ये तो एकदम एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इसलिए बोला बिकॉज देखो अगर ये तुम्हारा रस्सी है तो ये कलर मुझे बहुत पसंद है, यहाँ स्पेस का कलर है, ये अगर तुम्हारा रस्सी है और मुझे पता है ये रस्सी जो है ऊपर कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, पूरा सिस्टम अगर 2 m/s से जा रहा है, ये भी 2 m/s से जा रहा होगा, नेट फोर्स पूछा है, यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा T1, यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा T2, इसका खुद का सेल्फ वेट होगा कितना 2G। तो तुमको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, न्यूटन ने तो यही कहा था कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तुम नेट फोर्स नहीं निकाल के m into a निकाल लो, m into a निकालोगे तो हम डायरेक्टली नेट फोर्स कह सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है तुम्हारे एक बार NWT के एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम नेट फोर्स लिखना चाहें तो इसमें हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 2 × 4 कितना आ जाएगा 4 N आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर, ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट तुमको ये पूछा है व्हाट इज द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप, रोप के बीच में कितना टेंशन है वो पूछा। दैट मीन्स रोप के बीच में अगर टेंशन पूछा गया तो मुझे इसको काट के FBD बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर काटूंगा आइदर मैं नीचे वाले सेक्शन की FBD बनाऊंगा या मैं ऊपर वाले सेक्शन की FBD बनाऊंगा, दोनों में से कोई भी एक बनाने से चलेगा। मैं नीचे वाले सेक्शन की FBD बनाता हूँ, तरह से ये हो गया हमारा रस्सी, यहाँ से देखो ये हो गया हमारा रस्सी है ना, और ये हो गया हमारा नीचे वाला ब्लॉक, दिस इज अवर ब्लॉक 3 kg वाला ब्लॉक, नीचे कितना लग रहा है 3G, आधा रोप है तो आधा वेट आएगा नीचे, कितना आएगा ये 2 kg का था, दिस इज 1G। देखो मैंने फिर से कौन सा फोर्स को सबसे पहले शो किया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को। अभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में सोचो, कितने सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, एक ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा टी उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इज दैट क्लियर। और कोई फोर्स, एनी अदर फोर्स, और कोई फोर्स तो है नहीं, और मुझे पता है इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, एंड द एक्सेलरेशन इन दिस केस इज इक्वल टू 1 minute हाँ, एक्सेलरेशन इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट 2 m/s। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे भाई साहब, एस बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन में तो ऊपर वाला ग्रुप ऑफ फोर्सेस नीचे वाला ग्रुप ऑफ फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो हम क्या लिखेंगे T − F net लिख रहा हूँ, अपर फोर्स माइनस लोअर फोर्सेस, 1G + 3G बोथ ऑफ देम आर इन द सेम पार्टी, दैट इज इक्वल टू व्हाट मास इंटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का मास कितना होगा, इसका 3, इसका 1 कितना हो जाएगा 4, इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, यहाँ से हम टी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से करना, इज दैट क्लियर। हेलो पीपल, अभी हम नेक्स्ट कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बेसिक चीज मैं बता देता हूँ। जैसे कि तुमको लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमारे सामने क्या है, वी हैव गॉट 2 blocks 50 kg 1 kg, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 N इज अप्लाइड ऑन 1 kg ब्लॉक। यहाँ पर डायग्राम में दिख तो नहीं रहा, ठीक है, मतलब 1 kg ब्लॉक पे यहाँ पर एक 10 N फोर्स लगाया गया है। ऑल सर्फेसिज आर परफेक्टली स्मूथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ो, मैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तुमको ये समझना है कि अगर हमने नीचे वाले ब्लॉक में 10 N लगाया, 50 kg 1 kg के सरफेस में तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, 1 kg वाला ब्लॉक निकल के चला जाएगा, 50 kg वाले ब्लॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 50 kg वाला ब्लॉक हॉरिजॉन्टली मूव
नहीं करेगा, राइट, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन. तो एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक अगर मैं देखूँ तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास कितना होगा, 1, दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10 m/s². ये तो सिंपल था, लेकिन मैं बोलना क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ कि जमीन 1 kg ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लगा रहा है, क्या बोला मैंने, जमीन 1 kg ब्लॉक पे क्या नॉर्मल लगा रहा है, तो तुम सिस्टम किसको चूज करोगे, किस डायग्राम का वीडियो बना के इस नॉर्मल का वैल्यू निकालना चाहोगे, 1 kg का या 1 kg 50 kg टेकन टुगेदर. ध्यान से सुनो, अभी अगर मुझे जमीन वाला नॉर्मल निकालना है, अभी अगर तुम नीचे सिर्फ 1 kg ब्लॉक को ले दो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1 kg ब्लॉक को ये ले दो, दिस इज 1 kg, ये जमीन है, जमीन 1 kg ब्लॉक पे नॉर्मल लगा रहा है, एक बार फोर्स से शो करते हैं, यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा होगा, दिस इज 1 g, है ना, जमीन इस पे लगे से नॉर्मल लगा रहा है, ये क्या होगा, लगे से दिस इज N1, है ना. अभी अगर मैंने सिर्फ 1 kg ब्लॉक का FBD बनाया तो 50 kg 1 kg पे भी तो नॉर्मल लगाएगा नीचे की तरफ, 50 kg 1 kg को भी नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, तो वो नॉर्मल N2 फॉर एग्जाम्पल वो भी आ जाएगा, एंड N2 इज अननोन. N2 निकालने के लिए फिर 50 kg का FBD बनाना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, वहाँ से N2 निकालना पड़ेगा. तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है. देखो तुमको यहाँ पर पूछा कि जमीन ने कितना लगाया N1, राइट, तो तुम 50 kg को इसके साथ ही सिस्टम में कंसिडर करो, तुम ये जो 50 kg है इसको भी तुम सिस्टम में एक साथ कंसिडर करो, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, 50 kg एंड 1 kg के बीच का जो नॉर्मल है, 50 kg एंड 1 kg के बीच का जो नॉर्मल है वो इंटरनल फोर्स आ जाएगा, वो तुम्हारी इक्वेशन में आएगा नहीं, एंड यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम. तो एक तो हो गया 1 g, इस 50 kg का खुद का सेल्फ वेट कितना होगा, इस 50 kg का खुल का खुद का सेल्फ वेट होगा रेडस से 50 g, है ना, ऐसा लिख दिया. अभी एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम के लिए क्या होगा, जमीन ने जो नॉर्मल लगाया N1 अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स. 50 kg 1 kg के बीच का जो नॉर्मल है वो इंटरनल, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ से हम डायरेक्टली N1 का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 50 + 1 = 51 g लिख सकते हैं ना, 51 g, बस यही बताना था. अभी अगर तुमको बोल दिया कि नहीं 50 kg और 1 kg के बीच का क्या नॉर्मल है, तब तो तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, तब तुमको आइदर 50 kg को अलग से सिंगल FBD बना के सॉल्व करना पड़ेगा. सिंगल मतलब ऐसा, तुम इसे 50 kg बनाओगे, है ना, 50 kg, लेट अस से दिस इज 50 kg, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, दिस इज 50 g, है, और 1 kg 50 kg को पसंद नहीं करता, क्या करेगा, पुश अवे करेगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ लेट अस से N2 लग रहा है, तो यहाँ से तुमको N2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट इज N2 इज इक्वल टू व्हाट, 50 g लिखना पड़ेगा. बात समझ आया मैंने क्या, तब तक तुमको दोनों ब्लॉक्स को अलग करके ड्रॉ करना ही पड़ेगा. ठीक है, फाइन, समझ में आया. चलो अभी तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, देखो यहाँ पर सीन क्या है, सीन ऐसा है कि ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ में एक एफ फोर्स लगाया गया है, फाइंड द टेंशन इन द रॉड एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स डिस्टेंस पे इस क्रॉस सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो पूछा गया है. ठीक है ना, अच्छा मैंने क्या सिखाया था, डेफिनेटली ये रॉड जो है वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और मैंने ये सिखाया था कि सबसे पहला काम ये है कि अगर एक्सेलरेशन दिया नहीं हुआ है तो उसको सबसे पहले निकालो, बिकॉज वो हमको आगे चाहिए होगा. एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने पूरे रॉड को अपना सिस्टम माना, इसको पूरे को अपना सिस्टम माना, बात समझ आया. तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम एफ, व्हाट इज द मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम हमने एम लिख दिया, कि पूरा रॉड का मास कितना हमने एम मान लिया. ठीक है, एक्सेलरेशन तो पता चल गया, अभी पूछा कि इस सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो बताओ. ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इस सेक्शन का एफबीडी बनाऊँ, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन का, इसका भी बना सकते हो, इसके आगे वाले का भी बना सकते हो, तब जाके तुमको इस क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो पता चलेगा. चलो मैंने इस सेक्शन का एफबीडी बनाया, पीछे वाले सेक्शन का, ये अगर एक्स है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, दिस वाला लेंथ विल बी एल माइनस एक्स, करेक्ट, एलआरएस ये धक्का दे रहा है, तो ये सेक्शन लेफ्ट वाला सेक्शन भी इसको क्या कर रहा होगा, धक्का देके आगे लेके जाएगा, तो बेसिकली फोर्स इस पे ऐसा लग रहा होगा, एलआरएस से दिस फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ डैश. बात समझ आया मैंने क्या कहा, इज दैट क्लियर, ये जो एफ है धक्का दे रहा है तो इस वाले सेक्शन पे भी क्या लग रहा होगा, धक्का ही लग रहा होगा. इसमें यहाँ पर टेंशन वर्ड यूज किया, टेंशन बोलना नहीं चाहिए, ये फोर्स टेंशन फोर्स नहीं है, ठीक है, कुछ और फोर्स बोलना चाहिए था, फाइंड द फोर्स इन द रॉड, दिस वुड हैव बीन बेटर, ये वर्ड यूज करना चाहिए था. ठीक है, तो ये वाला पिछले वाला सेक्शन जो है आगे वाले सेक्शन को क्या करेगा, आगे धक्का देगा, और आगे धक्का देके इसको लेके जाएगा. इस पोर्शन का मास कितना होगा, अगर पूरा एल लेंथ है सो इस मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एन लिख सकते हैं, राइट, और ये एल माइनस एक्स पोर्शन में कितना मास होगा, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स. आई होप सो तुमको ये समझ आया, दिस इज द यू नो मास ऑफ दिस पोर्शन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए, पूरा रॉड ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, और कोई फोर्स इसके ऊपर और कोई फोर्स है नहीं. तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
एफ नेट इक्वल टू एम ई वाला इक्वेशन यूज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश दैट इज इक्वल टू मास की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन ए लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, एंड एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई एम। ध्यान से देखो यहाँ पर रॉड का मास एम दिया हुआ नहीं है, लेकिन तुमको ये समझना है कि अगर स्मॉल एम दिया हुआ नहीं है तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मान लो देखो फाइनली वो एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो लोड लेने का नहीं, दिस इज एफ एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पोर्शन। समझ में आया क्या सिखाया, एक्सीलरेशन पहले निकाल लो, फिर जिस क्रॉस सेक्शन में फोर्स निकालना है वहां से काट के किसी पोर्शन कैविटी बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 60 के जी पेंटर स्ट्रेंथ ऑन 15 के जी प्लेटफॉर्म, एक 60 के जी का पेंटर है, चलो मैं लिख के रखता हूँ, ये 60 के जी वाला पेंटर है, ठीक है, एंड इट स्टैंड्स ऑन ए 15 के जी प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मास कितना, जैसे 15 के जी दिया हुआ है, ए रोप इज अटैच टू द प्लेटफॉर्म पासिंग ओवर एन ओवरहेड पुली, ये रोप जो है वो एक ओवरहेड पुली के साथ अटैच्ड है, टू गेट स्टार्टेड ही पुल्स द रोप डाउन विद द फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, ये बंदा रस्सी को 400 न्यूटन से नीचे खींचता है, फाइंड द आइसोलेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। उसके बाद बहुत कुछ पूछा गया है, जो सबसे ज़रूरी है वो बता के रखता हूँ। अभी देखो अभी अगर मुझे इस सिस्टम का आइसोलेशन निकालना है, लेट अस वी नीड टू फाइंड आउट द आइसोलेशन ऑफ द सिस्टम, तो एक बात बताओ, अगर ये आदमी इस रोप को नीचे खींचेगा तो प्लेटफॉर्म, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये ऊपर जाएगा, अगर प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा उसके साथ ये आदमी भी ऊपर ही जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ऐसे सिनेरियो में मैं इस प्लेटफॉर्म को और आदमी को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर। मैंने हमेशा कहा है कि कहीं पर अगर तुमको एक सिस्टम को एक सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट कर सकते हो तो उसको हमेशा ट्रीट कर लेना। देखो अभी अगर मैं इस पूरे, देखो यहाँ पर बढ़िया से एक डायग्राम दिया हुआ है, इस आदमी को और इस प्लेटफॉर्म के एक साथ एक सिस्टम माना गया है, ठीक है ना। अभी अगर हम इसका एफबीडी बनाना चाहें तो सबसे पहले तुम क्या शो करोगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देखो एम प्लस एम इंटू जी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि इस आदमी के पैर और प्लेटफॉर्म के बीच एक नॉर्मल लगेगा, लगेगा जरूर, लेकिन तुमको इस पर्टिकुलर सिस्टम में उसको शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आदमी अगर प्लेटफॉर्म पे नीचे एन लगा रहा है, राइट टू अंडरस्टैंड लगा रहा है, तो आदमी के पैरों में भी नॉर्मल एन ऊपर लग रहा होगा। तो अगर मैंने प्लेटफॉर्म और आदमी को दोनों को एक ही सिस्टम में एक साथ कंसिडर कर लिया तो एन एन बेसिकली इंटरनल फोर्स बन जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेने का बेनिफिट क्या है, अगर मुझे दिख रहा है कि सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव कर रहे हैं, उसका बेनिफिट ये है कि बहुत सारे फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस बन जाते हैं और वो हमारी इक्वेशन में नहीं आएंगे, तो हमारा लाइफ सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में और हमने एक्सटर्नल फोर्स तो शो कर दिया, ठीक है, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो शो कर दिया, अभी हमको कॉन्टैक्ट फोर्सेस शो करना है। नॉर्मल आएगा नहीं बिकॉज वो इंटरनल कॉन्टैक्ट है, इसके हाथ में एक रस्सी है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट में भी एक रस्सी है, उसका भी टेंशन क्या होगा, ऑलवेज ऊपर की तरफ, ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आइसोलेशन ए ऐसा दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, क्या टेक्निक से कहा था, आइसोलेशन अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्सेस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो नेट फोर्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो दिस इज 2t, है ना, 2t माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है, दैट इज एम प्लस एम छोटा इंटू जी, दैट इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन, हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन ए, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कंस्ट्रेंट रिलेशन के आइडियाज को थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। मेथड क्या था, अगर ये रस्सी है इसको सेगमेंट्स में तोड़ो, जैसे ये हमारा हो गया सेगमेंट वन, ये हो गया हमारा सेगमेंट टू, एक बार सेगमेंट में तोड़ लोगे उसके बाद तुमको एंड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, ये पहला एंड पॉइंट, ये दूसरा एंड पॉइंट। अभी इस एंड पॉइंट को पूछो भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये बोलेगा सर मैं ब्लॉक के साथ अटैच हूँ और अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो मैं भी नीचे जाऊँगा, तो इस एंड पॉइंट के मूवमेंट के कारण इस रस्सी का, इस सेगमेंट का लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इस इंक्रीज को हम हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और हम क्या लिख देंगे, प्लस, ठीक है। ये जो एंड पॉइंट है ये किसके साथ है, पुली के साथ है, ये कहीं हिलेगा नहीं, दिस इज आर यू इमेजिन, हाँ पुली के साथ फिक्स्ड है, हिलेगा नहीं, तो इसका कंट्रीब्यूशन हम क्या लिख देंगे, जीरो, ठीक है। अभी इन दोनों एंड पॉइंट्स को देखो, ये वाला एंड पॉइंट किसके साथ फिक्स्ड है, पुली के साथ फिक्स्ड है, ये एंड पॉइंट मूव नहीं करेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी क्या आएगा, जीरो। अभी इस एंड पॉइंट को देखो, ये रिंग लेट अस से वी वेलोसिटी से इधर ट्रैवल कर रहा है, एक्चुअली हमको वी और यू का रिलेशन चाहिए, तो ये एंड पॉइंट अगर वी से जा रहा है तो वी का कितना कंट्रीब्यूशन इस तरफ आएगा, आएगा वी कॉस 60, जिसको हम वी बाई टू लिख सकते हैं। और खुद सोच के देखो, ये एंड पॉइंट अगर इस तरफ मूव करेगा तो इस सेगमेंट का लेंथ क्या करेगा, इस सेगमेंट का लेंथ डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज को हम हमेशा माइनस वी बाई टू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हम वी को क्या लिख सकते हैं, टू यू। तो इस तरीके से हमने रिंग और
ये जो ब्लॉक है दोनों के वेलोसिटी को हमने क्या करते हैं रिलेट कर दिया। आई होप सो तुमको याद आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना। ठीक है, अभी स्प्रिंग बैलेंस के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस हमेशा कितना रीड करता है, स्प्रिंग फोर्स जितना होगा उतना ही रीड करेगा। याद रहेगा ये चीज़, स्प्रिंग फोर्स जितना होगा उतना ही रीडिंग देगा ये। देखो अभी स्प्रिंग को नीचे खींचा जा रहा है, कितने फोर्स से टी से, एंड इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो टी का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग भी क्या होगा, एम जी ही होगा। ठीक है, अभी अगर तुम्हारे सामने ऐसा एक सिनेरियो है, इसको देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg सस्पेंडेड थ्रू टू लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस आर शोन। दोनों लाइट है, मतलब दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस का खुद का मास नहीं है। कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 1, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 2। 1 का रीडिंग क्या होगा, देखो यहाँ पर टेंशन टी लग रहा होगा, और अगर मैं इस 20 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाऊँ, किसका बनाऊँ, 20 kg ब्लॉक का, नीचे कितना लग रहा होगा, 20g लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, टी, और यही टी स्प्रिंग बैलेंस में लग रहा है। तो टी का वैल्यू कितना होगा, दिस इज 20g। सो दिस इज द रीडिंग। अभी इस स्प्रिंग बैलेंस का कितना रीडिंग होगा, इसमें जो टेंशन टी लग रहा होगा, तो मैंने क्या किया, इसमें भी टी लग रहा होगा, देयर एक्शन रिएक्शन पेयर, और हम इसका एफबीडी बनाते हैं। और अगर हम इसका एफबीडी बनाए तो ध्यान से देखो, ये जो ऊपर का टी है, ये तो नहीं चाहिए, अभी इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ये वाला ये नहीं चाहिए। तो ये जो ऊपर का टी है, ये किसको बैलेंस कर रहा है, फिर से 20g बैलेंस कर रहा है। तो इस वाले टी का वैल्यू भी कितना होगा, 20g ही होगा। तो इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग भी क्या होगा, 20g ही होगा। समझ में आया, दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस का रीडिंग सेम आएगा, 20g 20g। ध्यान से देखो, फिर से ये टी 20g को बैलेंस कर रहा है ना, और ये जो टी है ये 20g को बैलेंस कर रहा है। तो इस वाले स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना होगा, 20g। और यहाँ पर जो टी लग रहा है, याद है ना, ये टी वही टी है, और ये वाला टी भी बराबर क्या है, 20g है। इसका रीजन इसलिए हुआ बिकॉज देखो, इसके साथ तुमने स्प्रिंग बैलेंस और 20g को तो हैंग किया इसके साथ, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस का खुद का वेट तो है ही नहीं, ये तो लाइट है। तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग जो भी आएगा वो किसके लिए आएगा, 20kg के लिए आएगा। ठीक है, एंड फाइनली सूर्य फोर्स का कंसेप्ट जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके डिस्कस करता हूँ। लेट अस से कि तुम बेसिकली एक लिफ्ट के अंदर बैठे हो, लेट अस से लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक है, एंड द लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सीलरेशन है, और तुम यहाँ पर बैठ के इक्वेशन लगाना चाहते हो। क्या लगाना चाहते हो, इक्वेशन लगा के। तो अगर तुम यहाँ बैठ के इक्वेशन लगाना चाहोगे, इस पे फोर्स से शो करना चाहोगे, इक्वेशन लिखना चाहोगे, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज तुम लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, तुम भी एक्सेलरेट कर रहे हो। तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को अगर हमको एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस अप्लाई करना है, तो हमको रियल फोर्सेस के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। मतलब अगर ये वाला बंदा अभी इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएगा, ध्यान से देखना वो कैसा बनाएगा, उसको ध्यान से देखो। लेट अस से इस ब्लॉक का मास एम है, तो सबसे पहले हमको सारे रियल फोर्सेस शो करना है। दिस इज एम जी, उसका खुद का जो अर्थ का पुल है एम जी, और ये जो लिफ्ट का फ्लोर है वो इस ब्लॉक को क्या कर रहा होगा, ऊपर पुश कर रहा होगा, इसको हमने एन लिख दिया। ठीक है ना, लेकिन अगर तुम एफबीडी बना रहे हो और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बना रहे हो जो कि एक एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो रियल फोर्सेस के साथ साथ तुमको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, फ्रेम का एक्सीलरेशन जिस तरफ है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो इस ब्लॉक में तुम जो सूडो फोर्स लगाओगे किधर लगाओगे, नीचे की तरफ, और उसका वैल्यू कितना होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या लिख दोगे, ए। बात समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। तो ये जो एम ए है यही हमारा सूडो फोर्स है जो हमको अप्लाई करना है, पक्का क्लियर है। अच्छा, अभी ये जो बंदा है जो लिफ्ट के अंदर है, उसको अगर मैं पूछूं क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ये आदमी क्या बोलेगा, नहीं सर ये ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा। यस, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो इस बंदे के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला फोर्स विल बैलेंस नीचे वाला फोर्स, तो एन इज इक्वल टू व्हाट, एम जी प्लस एम ए। सो दिस इज द इक्वेशन, इसको हमेशा अच्छे से याद करना। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी सूडो फोर्स पे ही है। यहाँ पर पूछा कि ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ इन एडजॉइनिंग फिगर, एवरीथिंग इज स्मूथ, फाइंड कैपिटल एफ सच दैट द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। कैपिटल एफ का वैल्यू पूछा है कि ताकि ये छोटा वाला एम ब्लॉक स्टेशनरी रहे। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, हम इस प्रॉब्लम को कहाँ बैठ के सॉल्व करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को यहाँ बैठ के सॉल्व करेंगे। बात समझ आया, दैट मीन्स यू विल सिट ऑन द बिगर वेज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एज बिकॉज मैं सूडो फोर्स समझा रहा हूँ, तो तुमको यहाँ बैठ के मैं सॉल्व करवा के दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। सबसे पहले यहाँ पर बैठ के अगर मैं सॉल्व करूंगा तो तुमको ये समझना है कि कैपिटल एम एंड छोटा एम बोथ द ब्लॉक्स आर बेसिकली मूविंग टुगेदर, और दोनों अगर एक साथ मूव करेंगे तो कैपिटल एम पे अगर कोई बैठा हुआ है वो छोटा एम को अगर देखेगा तो उसको ये छोटा एम रेस्ट पे दिखेगा।
बिकॉज दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो छोटे आप रेस्ट पे देखिएगा, फाइन। लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें, ग्राउंड फ्रेम से, तो ये पूरा सिस्टम आगे एस्केलेट कर रहा है ना, इस तरह एस्केलेट कर रहा है। और ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या सिखाया था, एस बिकॉज बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर दे कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, द एक्सीलरेशन हम क्या लिख सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम एम प्लस। अभी अगर ये बंदा इस ब्लॉक को एनालाइज करे, इस ब्लॉक को मैं अलग से यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे ये छोटा एम है, अगर ये बंदा अभी इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएगा, तो सबसे पहले वो कौन से फोर्सेस को शो करेगा, रियल फोर्सेस को शो करेगा, हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर एक नॉर्मल लग रहा है एन, लेकिन सिर्फ इन फोर्सेस को शो करने से होगा नहीं, बिकॉज अभी ये आदमी अगर देख रहा है इस ब्लॉक को, तो दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन ए कैपिटल एम एंड कैपिटल एम इज एक्सीलरेटेड, विच मीन्स द पर्सन इज सिटिंग ऑन एन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विच मीन्स रियल फोर्सेज के साथ साथ उसको इस पर सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। किस तरफ लगाना पड़ेगा, एक्सीलरेशन अगर राइट की तरफ है तो सूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगाना पड़ेगा, और उसका वैल्यू होता है मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज एन। बात समझ में आया? और इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा सा ब्लॉक वो क्या है, वो रेस्ट में है, तो हम इस पे सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके, जैसे ये हमारा एक एक्सिस है, दिस इज द सेकंड एक्सिस, इसके अलावा हम सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करके बैलेंस करके अपना यू नो जो भी पूछा गया कैपिटल एफ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ से अगर हम ए का वैल्यू निकाल दें, ए की जगह हम कैपिटल एफ पुट कर देंगे तो हो जाएगा। समझ आया मैंने क्या कहा? देखो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, आएगा ना एम जी का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ, वो क्या आएगा, दिस इज एम जी साइन थीटा, करेक्ट, और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इस तरफ आएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज एम जी कॉस थीटा, अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा, तो एम ए का ये वाला कॉम्पोनेंट क्या आएगा, इस तरफ जो कॉम्पोनेंट आएगा एम ए का, इस तरफ वाला कॉम्पोनेंट एम जी कॉस थीटा का जो साथ देगा वो क्या होगा, दिस इज एम ए साइन थीटा, और एम ए का जो इस तरफ वाला कॉम्पोनेंट आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, दिस इज एम ए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? अभी फोर्सेस अगर बैलेंस करोगे, बैलेंस क्यों करोगे, बिकॉज कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में छोटा एम मूव नहीं करा, तो फोर्सेस शुड बैलेंस इच अदर, तो एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा लिख दोगे, एंड एन बराबर एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा लिख दोगे, ठीक है, फिर सॉल्व करके निकाल सकते हो। सो दिस कम्प्लीट्स द एंटायर डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ एनएलएम, फ्रिक्शन पे मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, इस पूरे को अच्छे से देख लेना, इसमें तुम्हारे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, चलो ठीक है, बाय।